स्कूल बंद हो सकता है तो कोरोना में फिर आयोजन कैसे हो सकता है पाँच हजार लोग यहाँ पर पहुँचने का दावा किया जा रहा था कर। तो पाँच हजार तो जरूर पहुँचा होगा ऐसी बात तो नहीं है लेकिन कोरोना कितना फैला होगा ये सरकार को नहीं दिखाई पड़ती है और अभी जो है सरकार को तो नहीं चाहिए इतना गंद भात और तरकारी खिला के घर के सामने कचरा फैला के चला गया है साफ क्या कराएगा किसी का घर के आगे में आप कचरा फैलाइएगा आपको क्या बोलेगा आदमी जो आए थे घनश्याम यादव थे और कोई एक मंडल थे क्या नाम मेरे को तो अभी राजेश मंडल थे सबका नाम अभी याद आ रहा है वो सब ने मोबाइल नंबर भी दिया बोला कि आप कॉल कीजिएगा साफ हो जाएगा आपको इतना परेशानी लेने का जरूरत नहीं है लेकिन आज सुबह से कुछ भी नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है एक प्लेट नहीं उठाया है यहाँ से और इस तरह के गंदगी से हम सब बहुत नाराज़ हैं करोना फर्कता ही गंदा करोना नहीं होगा कोरोना नहीं होगा ये गंदगी फैला रहे हैं तो आप सर, आप सरकार क्या करता सफाई कराइए गंदगी हटाइए बीमारी हटाइए तो आप गंदगी हमको फैला रहे हैं तो बीमारियां नहीं फैला रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद अभी हम मौजूद हैं ब्लॉक फील्ड पर उसी ब्लॉक फील्ड पर जहाँ पे कल आलिशमां झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया था बड़े धूमधाम से आप हमारे पीछे जो है स्टेज बना हुआ था यहाँ पर पाँच हजार लोग के आने का दावा किया गया था पाँच हजार लोग लमसम यहाँ पर पहुँचे थे उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ डी बजा खाने पीने की व्यवस्था हुआ लोग यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे और किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई उसके बाद अब आप ये कचरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस आयोजन से क्या नफ़ा और क्या नुकसान हुआ इस कोरोना महामारी में आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का मकान है और उसके बगल में सारा कचड़ा है चलिए हम उनसे चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनको परेशानी है इस कचरे से चौधरी जी ये बताइए कि कल जो कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम के बाद इस तरीके से जो गंदगी पसरा है क्या दिक्कत हो रहा है घर आप लोगों का सामने में गंदगी है तो आने जाने में भी दिक्कत है जूठा है लंघ के जाना लंघ के आना अच्छा बात नहीं होता है अनाज जो सड़ा है इससे भी महका रहा है स्मेल आता है आप लोग कहे नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से फैला रहे हैं तो फिर ये ले जाएगा कौन इसकी शिकायत आपने कहीं की हाँ तो उन लोग का जो स्टार लगाया हुआ सब था उस सबको बोले तो बोला कि हो जाएगा साफ हो जाएगा लेकिन कहाँ हुआ कुछ नहीं हुआ सरकार हम लोग को नहीं चाहिए इतना गंदा भात और तरकारी खिला के घर के सामने में कचरा फैला के चला गया आ, है साफ क्या करागा किसी का घर के आगे में आप कचरा फैलाइएगा तब को क्या बोलेगा आदमी मतलब

क्या शादी होगा तो क्या बारात विदा होगा कि सफाई होगा ठीक बारात विदा हो गया तो आज सफाई करवाइए कल तो आप लोग कहे हाँ क्या कुछ कहा गया था कहा गया क्या कहा सुबह साफ का हो जाएगा अभी कितना बज गया है अभी कहाँ आ रहा है साफ अभी तक साफ नहीं हुआ है तो देखिए है? ये है फैलता गंदा से कोरोना नहीं होगा कोरोना नहीं होगा ये गंदगी फैला रहे हैं तो आप सर, आप सरकार क्या करता है सफाई कराइए गंदगी हटाइए बीमारी हटाइए तो आप गंदगी हमको फैला रहे हैं बीमारियां फैला रहे हैं आप देखिए कि ये स्थिति है ब्लॉक फील्ड की गौर से देखिए समझना चाहिए जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया पाँच हज़ार लोगों को यहाँ पर बुलाने का दावा किया गया था अगर पाँच हज़ार लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे और तो आप समझ सकते हैं कि गंदगी कितनी फैलेगी तो इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक बड़ा कूड़ादान होना चाहिए जहाँ की गंदा पसरे नहीं और लगातार आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी सरकार डंके की चोट पर कह रही है अभी भी है सतर्कता की आवश्यकता है मास्क पहने सैनिटाइजर लगाए मतलब ये तमाम तरीके की बातें जो है अभी भी सरकार कह रही है और सरकार ये भी कह रही तक पूर्णतः जो है कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो आप इस जगह को देखिए और देख के समझने का प्रयास कीजिए जिसके जिम्मे में झारखंड को साफ स्वच्छ और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है वैसे सरकार के पार्टियों का ये काला चिट्ठा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गंदगी पसरा है पाँच हज़ार लोग अगर कहीं पर जुटेंगे और उनकी खाने पीने की व्यवस्था होगी तो क्या कुछ आलम होगा ये देखकर आप समझ सकते हैं जहां पर कि लाखों लाख खर्च करके पंडाल लगाए गए डीजे बुलाया गया लोगों को बस के कर, भाड़े करके यहां पर बुलाया गया तो ऐसे में ये भी होना ज़रूरी था कि यहां पर एक कूड़ेदान की आवश्यकता होनी थी कूड़ादान होना था सारा कूड़ा उसमें जाता ताकि ये गंदगी फैलता नहीं अब आप समझ लीजिए कि इस गंदगी को आप हद तक सफाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं इस गंदगी को सफाई करते करते आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा और ऐसे आयोजनकर्ता को समझ में आना चाहिए कि क्या आप कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में आप गंदगी पसार रहे हैं और इस गंदगी से अगर ये शाम तक अगर सफाई नहीं हुई तो क्या कुछ हो सकता है हमारे साथ यहाँ पर इनसे भी हम बातचीत करते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम दीपक कुमार हुआ दीपक जी कितना सुंदर लग रहा है आज आपका ब्लॉक फील्ड वो तो आप देख ही रहे हैं एक तरफ जहाँ से ये हेमंत सरकार कोरोना को लेके गाइडलाइन को लेके फॉलो करने के बाद कहती है और अपने कार्यक्रम को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करवा आयोजित करवाती है कि कोरोना फैले नहीं उससे लोग बच्चे सचेत रहे लेकिन जब यहाँ पे ये जो आयोजन हुआ उसके बाद जिस तरह से आप यहाँ पे गंदगी देख रहे हैं एक दूसरे का जूठा प्लेट फेंका गया है और ये जब ये हवा चलेगी और आमतौर पर आजकल तो चल ही रही है हवा जब ये फैल फैल कर देख रहे हैं सब एक दूसरे के घर की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह से ये कोरोना का तो ये बहुत ही ये सब इतना दुरुपयोग कर दिए हैं इससे क्या ही गाइडलाइन फॉलो होगा इनको मैंने हम सब ने मिलकर यहाँ पर सरस्वती माता का पूजा करना भी हम सब ने यहाँ पर चाहा है कि यहाँ पर करूँगा और हम सब ने कल बोला भी जो जो आए थे घनश्याम यादव थे और कोई एक मंडल थे क्या नाम मेरे को तो अभी राजेश मंडल थे सबका नाम अभी याद आ रहा है वो सब ने मोबाइल नंबर भी दिया बोला कि आप कॉल कीजिएगा साफ हो जाएगा आपको इतना परेशानी लेने का ज़रूरत नहीं है लेकिन आज सुबह से कुछ भी नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है एक प्लेट नहीं उठाया है यहाँ से और इस तरह के गंदगी से हम सब बहुत नाराज़ हैं और हमारे यहाँ सब हम सब का घर बगल में ही है इस तरह नहीं होना चाहिए था यही मैं बोलना चाहूंगा तो जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी कूड़ेदान का भी व्यवस्था होना चाहिए कूड़ेदान का व्यवस्था अवश्य होना चाहिए था इस तरह से कचरा फैला देने से समाज में अभी कोरोना के जो चल रहा है कोरोना का समय चल रहा है इस तरह से बहुत दिक्कत तो होता दिक्कत ही है आप समझ सकते हैं और यहाँ पर इस मोहल्ले के बुजुर्ग हैं इनसे हम बातचीत करते हैं क्या नाम है आपका क्या बात क्या बोलिए बोलिए तो नहीं जिस तरीके से कल आयोजन हुआ आयोजन के बाद आपका ये फील्ड है और ये कचरा फैला है इस पर क्या कहेगा क्या कहेंगे इस पर साफ़ सफाई होना चाहिए इस तरह कचरा नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो आयोजन नहीं होना चाहिए इसलिए कि कोरोना है जब बच्चे का स्कूल बंद हो सकता है तो कोरोना में फिर आयोजन कैसे हो सकता है तो पाँच हजार लोग यहाँ पर पहुँचने का दावा किया जा रहा था कर। तो पाँच हज़ार तो जरूर पहुँचा होगा ऐसी बात तो नहीं है लेकिन कोरोना कितना फैला होगा ये सरकार को नहीं दिखाई पड़ती है और अभी जो है कोरोना महामारी में सरस्वती पूजा में बैंड बाजा सभी कुछ बंद है इस पर क्या कहेंगे क्या कहेंगे इस पर सब कुछ होना चाहिए विद्यालय जब खुल गया तो सब कुछ होना चाहिए बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है लेकिन वो भविष्य बर्बाद नहीं हुआ तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोग यहाँ पर नाराज़ हैं इस कूड़े करकट से यहाँ पर लोग नाराज़ हैं जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर पसरी है कहीं ना कहीं इस गंदगी से भी बीमारी फैलने की आशंका है और इसमें कहीं आप आशंका नहीं ये यकीनन इस गंदगी से जिस तरीके से सड़द होगी और महक होगी इससे बीमारियां फैलेंगी कुछ युवा हैं कि जो बगल में रह रहे हैं उनको कितना पीड़ा है इस गंदगी से <स्थाथ> बगल में ही नहीं आसपास में जितने भी लोग खेलने आते हैं और जितने भी बच्चे हैं सबको इससे कही न कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो बने रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज देखिए स्वच्छता का जहाँ जो महत्व है इसके लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी योजना चला रहे हैं ताकि हमारा समाज स्वच्छ रहे और स्वच्छ वातावरण में ही हम लोगों का जो विचार है और विकास है उसका विकसित हो सकता है और ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम करने के उपरांत बिना किसी आ, क्या बोलते हैं व्यवस्था के कार्यक्रम होने संपन्न होने के बाद सफाई करवा करके और पूरा काम को जो है एक माहौल को स्वच्छ रखना है तो ये सब बिंदुओं पर देखिएगा कि कहीं पर कोई इन लोगों का उद्देश्य नहीं रहता है कार्यक्रम किए जैसे तैसे फेक फाक दिए कचरा उसके बाद चले गए वहाँ आस पास जितने लोग रह रहे हैं वहाँ के समाज के लोग को तकलीफ़ हो रही है दुर्गंध फैल रही है और न जाने इन कचरों से जो अनेकों बीमारियाँ होती है उनके बारे में भी इन लोगों को नहीं पता है जबकि ऐसी फ्रॉस्टिंग देखी क्या केक सज्जा का अनोखा भंडार चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग पर कतरी चॉकलेट का मजा जिलेटिंग वाली आइसिंग पर किंगडम वाली जिमीज मिस्टर एंड मिसेस का वेडिंग केक या फिर बच्चों का कोको केक राजधानी केक एंड बेक पैलेस देखा क्या गोड्डा के गंगटा में है हम अब जल्दी आ भी जाओ केक सज कर है तैयार